तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जैसी लग रही है ना दही भल्ले की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही वड़े की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने 250 ग्राम आसपास मूंग दाल लिया था, उसे लगभग 3 से 4 घंटे भिगोने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद सारा पानी हम निकाल लेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बारीक से दरदरा पीसेंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का इसका बैटर तैयार हुआ है। हम इसे पानी नहीं डालेंगे ज़्यादा, पानी उसी मात्रा में डालेंगे क्योंकि पीसने में ये सहूलियत हो। तो उसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 से 3 हमने हरी मिर्च बारीक काटा था, और 1/2 इंच अदरक के टुकड़ा बारीक बारीक काटा है। और इसे अच्छे से लगभग 10 मिनट तक, मेन सीक्रेट जो ये दही बड़े बनाने की रेसिपी का है वो यही है कि इसे आप लगातार इसे फेंटते रहें लगभग 10 से 12 मिनट तक। तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसका कलर ये कितना बढ़िया फेंटा गया है, तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया। इसका मतलब है कि ये अच्छे से हमने फेंट लिया इसे। और ये देखिए इस प्रकार से कुछ इसका टेक्सचर रखना है कि हाथों से बिल्कुल गिरे ना। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये तैयार हो गया बैटर। तो आप भी इसी प्रकार से करेंगे तभी इतना बढ़िया ये और सॉफ्ट स्पंजी बनेगा। तो उसके लिए हमने 1/2 kg दही लिया घर का, उसे अच्छे से दही को फेंट लेंगे हम। तो फेंटने से ये क्रीमी हो जाता है दही। तो देखिए कितना बढ़िया ये हमारा दही जो है फिट गया है। तो इसी प्रकार से आप हाथों से या फिर आप दल घोटने की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। हमने एक कढ़ाई लिया है और उसमें तेल डाले हैं, और थोड़ी सी हम डाल के चेक कर लेंगे तेल हमारा कितना गर्म है। इस दही भल्ले की रेसिपी को फ्रेंड हम ना ही लो फ्लेम पे तलेंगे ना ही हाई फ्लेम पे, इसे लगभग मीडियम फ्लेम पे हम तलेंगे। तो इस प्रकार से आप हाथों में हल्का सा पानी लगाते हुए इसे डालें, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। हाथों में पानी लगाने से ये आसानी से इसे डालने में सुविधा होती है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे तेल को ऊपर छिड़कते रहें इस पर ताकि ये अच्छे से बने और ये जो फूले अच्छे से। तेल आप ध्यान से यहाँ पे ऊपर से ज़रूर छिड़के इस प्रकार से ताकि चारों तरफ ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो। तो ये देखिए हमने इसे पलटी करके इसे अच्छे से इसे चलाते हुए बारी बारी से इसे पकाएंगे। तो इसी प्रकार से लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से पक सके फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पका है, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया ये पक गया है। तो कलर भी कुछ इस प्रकार का ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे और ना ही बिल्कुल सफ़ेद रखेंगे, हल्का सा केवल इस पर कलर आना चाहिए। इसी प्रकार से हमने सारे दही बड़े को इस प्रकार से तल लिया हमने। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये जो है ये बड़ा इतना बन के तैयार है। तब हम इसे पानी में डालेंगे। तो पानी जो हमने है नमक और हींग डाला था पानी में, उसे रखा था पहले से। तो इस प्रकार से नमक और हींग के पानी में आप डालेंगे इसे। तो ये देखिए हमारा ये लगभग 10 से 15 मिनट इसमें रखने के बाद कुछ इस प्रकार से हम इसका पानी निकाल देंगे गार के। आप इसे हल्के हाथों से केवल पानी निकालेंगे, ज़्यादा पानी भी नहीं निकालना इसका नहीं तो ये फट जाएगा। तो देखिए कितना स्पंजी बना है, आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा फ्रेंड्स। तो हल्के हाथों से केवल निकालेंगे। तो अब हम इसके प्लेटिंग की ओर चलते हैं। तो हमने ये देखिए फेटी हुई दही इस पर डाल रहे हैं। इसी प्रकार से आप दही को डालते रहें इसमें। दही हमने लगभग 6 से 7 चम्मच इसमें डाला है, और दही डालने के बाद हम हरी चटनी डालेंगे जो कि हमने धनिया का घर पे ही बनाया है। उसके बाद फिर टमाटो केचप, आप चाहे तो यहाँ पे इमली का मीठी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी का। तो हमने टमाटो केचप डाला है यहाँ पर, आप ये भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पर नमक डालेंगे, काला नमक।
उसके बाद हम भुना हुआ जीरा पाउडर इस पर डालेंगे, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए फाइनली हमारा दही वड़ा बन के तैयार है फ्रेंड्स। इसे दही भल्ला भी बोलते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है ना देख के आपको। देखने से तो शायद आपके मुंह में पानी आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप भी इस प्रकार से अपने घर पर बना सकते हैं, इस प्रकार से आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।